कलर्स टीवी के पॉपुलर शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी इस साल की शुरुआत में ही ऑन एयर किया गया था। शो की कहानी लोगों को काफी मजेदार भी लगी थी और शुरुआत में शो को बेहद ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। लेकिन अब इस शो के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है और वो ये कि मेकर्स इस शो को ऑफ एयर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह खबरें हैं कि इस शो की जगह बिग बॉस 14 के नए सीजन ऑन एयर करने की प्लानिंग चल रही है और इस वजह से शो को ऑफ एयर किया जा सकता है। खबरें हैं कि शो का आखिरी एपिसोड 4 सितंबर को दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि रिया शुक्ला और पुनीत चौकसी के साथ नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी की कहानी की शुरुआत एक शानदार तरीके से हुई थी। इसने ऑडियंस के दिल को जीत लिया था। छोटी सी ऊंचाई वाली पिंकी की कहानी और उनकी जर्नी ने टेलीविजन पर आकर कई रूढ़िवादी सोच को बदलने का काम भी किया। शुरुआत में शो को टीआरपी लिस्ट में अच्छे नंबर भी मिल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने इस शो का काम ही बिगाड़ दिया। कोरोना की वजह से इस शो की शूटिंग भी बंद रही, जिसके बाद जब दोबारा इस शो के नए एपिसोड ऑन एयर किए गए तो वो ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हुए, जिससे कि शो की रेटिंग लगातार नीचे खिसकती चली गई और इसीलिए अब इस शो को बंद करने की प्लानिंग चल रही है, जिसके बाद दस्तक देगा बिग बॉस 14। बात करें बिग बॉस 14 की तो शो के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। शो के कई प्रोमोज को भी रिलीज किया जा चुका है। हालांकि शो में कौन कौन से स्टार्स नजर आएंगे अभी इस बारे में कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन निया शर्मा, अलीशा पनवार, पवित्र पुनिया, निखिल चिनप्पा, सुगंधा मिश्रा और आकांक्षा पुरी के नाम को शो के लिए पक्के तौर पर बताया जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या वाकई बिग बॉस के लिए नाटी पिंकी की इस कहानी का दी एंड हो जाएगा या फिर शो के मेकर्स इसके टाइम स्लॉट को बदल कर किसी और समय पर इसे टेलीकास्ट करने की प्लानिंग करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप इस शो को कितना पसंद करते हैं जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि इस शो को बंद कर दिया जाए।